गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और मेरे घर के काम हो गए हैं और मैं ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दक्ष कर रहा है नहाने का काम अपना, मतलब अभी नहा रहा है, उसके थोड़ी देर के बाद जो है आएगा तो आप लोगों से मिल लेगा वो। तो इसी प्रकार का अपना दिन है, नॉर्मल सी दिनचर्या है। और धूप आई हुई है बहुत ज़्यादा तेज, गर्मी होने लग गई है। आज मैंने पहन लिया है वुलन टॉप, बट अब मैं अवॉइड करूँगी कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लिए। हर सीज़न के ना कपड़े भी अलग चाहिए होते हैं, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, बरसात के अलग। कम ठंडा हो तो अलग, कम गर्मी हो तो अलग, फिर थोड़ी देर बाद स्लीव लेस में पहुँच जाते हैं लोग। तो खैर ये भी है। और यहाँ पर मैंने ना अपने भिगा दिए हैं अपने लिए चने, और मैं बॉयल चना करके ही खाऊंगी शाम को। और अभी दिन भर मैं फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टमी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा जो है फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाऊंगी इस बीच में। अभी फ़िलहाल नींबू पानी पीती हूँ एक गिलास, और जैसे ही दक्ष नहा के फ्री हो जाएगा, पूजा करके फ्री हो जाएगा, उसके बाद उसको आप लोगों से मिलवा लूँगी। तब तक जो है ना अपने काम करते, देखो यही है और कुछ है नहीं। आगे होने वाला है, इंटरेस्टिंग होंगे ब्लॉग और आप लोग उसका वेट करिएगा। तो अभी फिलहाल नींबू पानी पीती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर देखते हैं खाने का क्या होता है, खाना पीना बना। कपड़े मैंने छत में फैला दिए हैं और दक्ष ने भी अब नहा लिया है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाल्टी अंदर रखती हूँ और थोड़ा सा बैठती हूँ। इतनी गर्मी लग रही थी, मन कर रहा है पंखा चला के बैठ जाऊँ, बट क्या ही कर सकते हैं, तो ये बाल्टी अंदर रखती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्षकार की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक। मैं चैनल सुबह हो गया, मैं स्नान करके रेडी हो गया हूँ। और यहाँ पर तेल खत्म हो गया था, तभी किचन में कहते हैं वहाँ पर सरसों का तेल रखा था, तो उससे मैं उसको लगाने गया था, तभी कंघी वहीं ले गया था। वहाँ पर मस्त करके मैंने बाल भी बना लिए फिर, और साथ ही मैं सुबह सुबह मैंने नाश्ता भी कर ही लिया था। सुबह सुबह नाश्ता तो मैंने कर ही लिया था, और पढ़ाई करने का टाइम हो गया, यहाँ पर लाइटिंग कर देता हूँ और पढ़ाई कर लेता हूँ। उसके बाद फिर रियाज़ करूँगा, रियाज़ करना क्योंकि गले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर खाना खाऊंगा, देखूँगा क्या करूँगा। तो चलो फिर अभी तो मस्त करके मैं जल्दी जल्दी से पढ़ाई वगैरह करता हूँ। और कहते हैं क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, हाथ में तेल लग रखा बहुत सारा अभी भी। देखो आज कहते हैं, आज क्या था ना कि मतलब कल रात को मैं फ़ोन चला रहा था, तो ये वाले फ़ोन की क्या स्क्रीन है ना, ये मम्मी का पुराना फ़ोन है, ठीक है, मम्मी का पुराना फ़ोन है। तो ये कहते हैं इसकी जो स्क्रीन है ना, इसकी पूरी टूट गई थी स्क्रीन, तो नई स्क्रीन लगाई पूरी स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन लगाई तो अब क्या करा ना कि अब तो फ़ोन पुराना हो गया, कुछ काम करने था, अभी लोकल वाली स्क्रीन लगा दी। तो जैसे इसमें हल्का सा पसीना आता है ना, हल्का सा, इसकी जब तक गीला दिख रहा है ना उतना सा, उससे भी जब कम पसीना आता है ना, उतना सा भी लग जाए फ़ोन में सीधे। फ़ोन कहते हैं ऐसे कर, ऐसे ऐसे दबाऊंगा, ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐसे बटन वगैरह दबाऊंगा फ़ोन ऐसे करके, जैसे कि बटन करके ऐसे काम करने की जगह कुछ नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, होते रहता है, मेरे लिए तो यही सही है फिर भी फ़ोन। तो चलो फिर अभी तो मैं मस्त करके पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा। तो जी मित्रों, मैं अपनी शॉपिंग लेके आ गई हूँ ऑनलाइन, जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी मैं आप लोगों को बोली थी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैंने ये सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करी है करके। अभी मेरे और सारे पार्सल आने बाकी हैं, बट ये पार्सल मैंने खोल के देख भी लिए हैं, और साथ में अगर मुझे कोई पसंद नहीं आएगा ना तो मुझे रिटर्न करना है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक पहले वीडियो बना के दिखा देती हूँ, और फिर बाकी का जो सामान मेरा आना है ना वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो ये इतना सारे पार्सल हैं मेरे, तो मैं आपको एक एक करके स्टार्ट करके दिखाती हूँ, और साथ में ये भी बताऊंगी कि मैंने ये सामान क्यों मंगाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने एक कुर्ता सेट मंगाया अपने लिए, ये मैंने कॉमन कैजुअल ऐसे ही यूज़ के लिए मैंने मंगाया था। ये इस तरीके का है, वी नेक है, मैं खोल नहीं रही इसको, ये है वी नेक और पैंट है इसके साथ। बट इसका ना कपड़ा ना बहुत हल्का है, आप लोग ये देखो, मतलब ये ना छन जाएगा बहुत जल्दी, पता चल रहा होगा। वैसे तो ठीक है, कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बट कॉस्ट वाइज मुझे ऐसा लगा कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है। 600 रुपये का है ये सेट है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है इसको दो तीन बार धोओगे और पहनोगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ना इसको रख देते हैं हम साइड में। अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। दूसरी चीज़ है, इसमें है गॉगल्स, मैंने जो मंगाए हैं ये मुझे बहुत अच्छे रेट में मिले और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। ये देखिए, एक है यहाँ पर ब्लैक कलर का,
और दूसरा मैंने मंगाया है यहाँ पर वाइट कलर का। बताना आप लोग वाइट वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा या ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। तो ये दो चश्मे मैंने मंगाए हैं और ये दोनों ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इनको तो मैं रखने वाली हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इस बड़े वाले पार्सल से, इसमें मैंने मंगाया है। अच्छा, अभी एक दो सामान मैंने और मंगाया था जो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो वो तो मैंने रिटर्न कर दिया। मतलब एक नहीं, मैंने 5 पार्सल रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो एक ये मैंने मंगाई है वाइट कलर की डेनिम जैकेट। ये देखिए, ये ऐसी जैकेट है। ये जैकेट मंगाई है मैंने दक्ष के लिए। और ये जैकेट मैंने क्यों मंगाई है, ये जैकेट मैंने मंगाई है दक्ष के गाने का जो है ना शूट होने वाला है, तो मैंने उसके लिए ये वाली जैकेट मंगाई है। ये लुक मतलब क्रिएट करूँगी वाइट कलर का कुछ, इसलिए मैंने मंगाई है वाली जैकेट। 500 के समथिंग की है ये, तो बहुत अच्छी है इसकी क्वालिटी। मैंने दक्ष को पहना के देखा तो उसको साइज भी सही आ रहा है, तो ये अच्छा है। पता नहीं ये व्लॉग आने तक गाना आ जाएगा या जो भी होगा देखा जाएगा, तो ये जैकेट मैंने उसके लिए मंगाई है। अब बढ़ते हैं अगले सामान। तो वाइट जैकेट है, इसे पन्नी में रख देती हूँ वरना ये गंदी हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सामान की तरफ। ये सामान ना मैंने होली के लिए मंगाया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक करके दिखाती हूँ मैंने होली के लिए क्या क्या सामान मंगाया है। सबसे पहली चीज़ मैंने ये मंगाई है दक्ष के लिए एक टी शर्ट। अरे पन्नी गलती से नीचे कर ली। मैंने वाइट कलर की टी शर्ट मंगाई है, इसको दक्ष होली के दिन भी पहनेगा। वैसे हम लोग ना होली के दिन सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनते हैं, बट ये ना हर साल कुर्ता पैजामा ही पहनता है, इसलिए इस बार मैंने कुछ अलग करा है। वाइट कलर की प्लेन टी शर्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो एक हम होली शूट करेंगे दक्ष का, जिसमें होली की रील्स होती होली की फोटोज आएंगी, वो होली से पहले हम लोग कर लेंगे। वाइट पैंट वाइट शर्ट वाला, और वो वाइट चश्मा भी मैंने इसलिए मंगाया होली का शूट करने के लिए दक्ष का। ठीक है, तो ये उसमें पहनेगा, फिर होली के दिन भी इसको पहन लेगा जिस दिन प्रॉपर होली होती है, और होली से पहले शूट करने के लिए भी इसको हम लोग पहनेंगे। तो ये सामान मैंने एक दक्ष के लिए मंगाया है, और इसमें मैंने मंगाए हैं कलर होली वाले। ठीक है, इनको कहते हैं कलर फॉग कहते हैं ये ना, ऐसे पेंसिल शेप में होते हैं, बट पता नहीं इनकी क्वालिटी कैसी होगी। पिछले साल जो हम लेके आए थे ना, हम मार्केट से लेके आए थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसमें ना आगे ऐसे बत्ती जैसी होती है, लाइक जैसे वो पटाखों में होते हैं ना दिवाली के, तो इनको क्या करना है, माचिस से जलाना है। आप ऐसे करेंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे, इनके अंदर से कलर निकलेगा सूखा कलर, गुलाल जैसे पिंक कलर का है, इसमें पिंक निकलेगा, और ये भी पिंक ही है वैसे। अच्छा, इनमें ये बने हैं, इसमें येलो निकलेगा, इसमें ग्रीन निकलेगा, और ये भी वही है, इसमें पिंक येलो ग्रीन। तो ये 5 है, 5 का सेट है 200 रुपीज़ का। पिछले बार मैं लेके आई थी तो सिंगल एक ही पीस आई थिंक 100 रुपीज़ का था, बट उनकी क्वालिटी अच्छी थी। अब इनकी क्वालिटी कैसी होगी मुझे नहीं पता, इनको जलाने के बाद यूज़ करके पता चलेगा। तो ये भी मैंने होली के शूट के लिए सारा सामान मंगाया है। ये वाला हो गया, ये टी शर्ट हो गई, और ये वाइट वाला चश्मा हो गया। ये दक्ष का लुक क्रिएट करने के लिए है, वाइट टी शर्ट वाइट चश्मा वाइट जीन्स होली में दक्ष पहनेगा। और सर के लिए भी कुछ मंगाया है, वो अभी तक ऑनलाइन हमारा आया नहीं है, बहुत सबसे पहले ऑर्डर कर दिया था, अभी तक भी नहीं आया है। अब मैं एक लास्ट चीज़ रह गई है आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा रखी है शूट में, मतलब मैंने मिनी व्लॉग में दिखाया है। ये है दुपट्टा, बनारसी दुपट्टा, बनारसी राजस्थानी जयपुरी जो भी कहेंगे, हाँ जयपुरी दुपट्टे का प्रिंट है, अच्छा है। 150 रुपीज़ का ये दुपट्टा है। तो ये इस तरीके से, ये मेरे लुक के लिए है, मैं वाइट कलर का कुर्ता एंड पैंट पहनूंगी, और उसके बाद क्या होगा, इस दुपट्टे को ऐसे करके डालूंगी और उससे मैचिंग ज्वेलरीज वगैरह पहन के अपना एक फोटोशूट करूंगी और रील बनाऊंगी। तो देखिए, ये सारा का सारा जितना भी सामान है ये सब मैंने ना शूट के लिए मंगाया। देखिए इतना कुछ है, ये है ये है ये है ये है ये, ये सारा का सारा आप क्या कहते हैं होली के शूट का सामान है, और कुछ दक्ष के गाने की शूटिंग का सामान है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग देखें, आप लोगों को पसंद आए। तो ये सारा सामान है, जल्दी से जल्दी मैं इसके साथ शूटिंग भी करूंगी, और आप लोग फिर देखना रील्स वगैरह देखना हमारी इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और क्या कहते हैं यूट्यूब में भी, और पसंद करना। देखो इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतना खर्चा करना पड़ता है, इतना सामान मंगाना पड़ता है। अभी इस वाले सामान का तो कोई पता ही नहीं है कि ये सामान कैसा निकलेगा, मतलब ये अच्छा होगा या नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं है। यूज़ करेंगे तब पता चलेगा, अगर ये खराब निकला ना तो 200 रुपीज़ वेस्ट। वैसे मेरे पास दो ना पिछले साल के पड़े, अगर ये खराब निकले तो हम उनको यूज़ कर लेंगे, और अगर सही निकले तो इनको हम होली के दिन भी यूज़ करेंगे और शूट में भी यूज़ करेंगे। तो ये सारा मेरा सामान था जो मैं इतने टाइम से ऑनलाइन मंगा रही थी। आप लोग बता रहे कि आप लोगों को मेरा सामान और मेरी तैयारियाँ कैसी लगी। हाँ जी मित्रों, मैंने आप लोगों को सारा सामान दिखा दिया कि मैंने क्या क्या मंगाया है, और उसमें से कई सारा सामान ना मैंने रिटर्न भी कर दिया था जो खराब आया था। और यहाँ पर अभी दक्ष और मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा रहे थे, इसकी पढ़ाई थोड़ा बहुत हो गई है, बट तो ना व्याकरण में ना इसने बहुत सारी वो कर रखी है, अच्छे से नहीं कर रखा, मुझे आ रहा है देख के गुस्सा, पीट दूंगी मैं इसे। चलो मैंने बता दो क्या लिखा था, एक बार बता दो।
बाद में बताऊंगी, जाओ अभी टाइम हो गया क्योंकि ट्यूशन का। मैं बता क्या बता, स्वास्थ्य शरीर में दिल का स्थान होता है ना, स्वास्थ्य का स्थान दिल में, शरीर में नहीं दिमाग में होता है। इसका ये ट्यूशन जा रहा है और मैं जा रही हूँ बाहर फूलों में पानी डालने के लिए। बर्तन भी मैंने यहाँ पे सारे धो दिए थे खाना पीना खाने के बाद, और उसके बाद मुझे अपने कुछ और काम है छोटे मोटे। मम्मी हाँ, दो लोग खाने हैं कुछ खा। ये ट्यूशन और हमारी स्ट्रॉबेरी एक और पकने वाली हो रही है, ये भी खाऊंगा। हाँ चलो जाओ जाओ जाओ। इसमें से आपको कौन सा प्लांट है? कोई सा भी यार बेटा, ये मेरा है आपका। कोई नहीं, दो पक रही है, एक आप खाना एक मैं खाऊंगा। उसमें पिंक हो रहा हो। हाँ हाँ, तो अभी स्टार्ट में पिंक होगा फिर रेड होगा। मैं भी बाहर फूलों में पानी वगैरह डाल देती हूँ। मटरी खाते खाते जा रहा है, बड़ी वाली मटरी। चलो बढ़िया हो रही है ना, चलो बाय 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 करके आना। हाँ व्याकरण को उधर टाइम पास मत करना, जाओ बाय। अभी यहाँ पर आ गया है और बातें ही करने में लगा, कुछ नहीं कर रहा, पागल की का पागल पागल नहीं कहना चाहिए। और मैंने यहाँ पर ना मेथी काट के रखी है क्योंकि सुबह इसको मैं भेजूंगी, हाँ मेथी के पराठे भेजूंगी, तो उसके लिए काट कूट के रख दिया था कि थोड़ा सा पानी वगैरह जो इसका निथर जाए। पूजा मैंने कर ली है, अभी दक्ष करेगा पूजा। फूलों में पानी भी डाल दिया, सारे काम मेरे हो चुके हैं। अब मैं करूँगी जो है सब्जी बनाने की तैयारी। आलू मटर बनाएंगे अभी हम लोग और रोटी बनाएंगे उसके साथ। तब तक मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए एक बार। मुझे खाना पीना खा लिया है और यहाँ पर पढ़ाई भी होगी मेरी, चलो फिर अब सोने का टाइम हो गया। और आज पंखा भी चला रखा है क्योंकि गर्मी हो रही है और मैंने ऐसे कर रखा है, एकदम थकान होगी। मेरे दोस्त का भी फ़ोन आ गया था अभी, तो चलो फिर अभी तो मैं मस्त करके ब्लॉग को एंड करता हूँ, सो जाता हूँ। कल स्कूल है तो मस्त करके स्कूल जाऊंगा, और हाँ स्कूल का कल फोटोशूट भी है। फोटोशूट वैसा नहीं होता कितना है, इसकी सबका अलग अलग होता है, बास्केटबॉल टीम का अलग, वैसे तो हमारा कहते हैं उसका होगा, क्या कहते हैं उसको, म्यूजिक का। वैसे भी वैसा वाला मैं का मैसेज आया क्लास वाला का, अभी देखेंगे फोन में। तो चलो फिर अब तो मैं करता ना व्लॉग, फिर अब मैं सोता हूँ और व्लॉग को भी एंड करता हूँ। तो अगर आपके व्लॉग तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।